हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूपी पुलिस की तरफ से एक प्यारा सा नोटिफिकेशन आउट हुआ है जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एंड इसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह जो भी मांगा गया है, सब कुछ एकदम बेसिक से मांगा गया है। आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर आपका हो जाता है वो ये हो जाता है कि इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है, सिर्फ ट्रायल देना होगा और कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी जाके हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो नोटिफिकेशन है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें जो पोस्ट है कॉन्स्टेबल की है, स्पोर्ट्स क्वाटा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है 546 है, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए 350 वैकेंसी है और वहीं जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए टोटल 196 वैकेंसी रखी गई है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट की बात करी तो 14 दिसंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड 1 जनवरी यानी कि जो न्यू ईयर रहने वाला है उस दिन आपकी इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो आप इसे पहले इसके लिए अप्लाई कर दें अगर आप सारा क्राइटेरिया क्लियर कर जाते हैं। तो बात करें सैलरी की तो 5,200 रुपये से लेके 20,200 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है उसके लिए सॉरी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 12th पास होना ज़रूरी है। एंड एज की बात की जाए तो अगर आपकी एज 18 से 22 साल के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, सभी कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है 400 रुपये रखी गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, डस नॉट मैटर, आपका बस इसमें 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगना है। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें क्या रहने वाला है, सबसे पहले यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स ट्रायल होगा। जब आप स्पोर्ट्स ट्रायल को कम्प्लीट कर जाते हैं तो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट बस ये दो ही है, जैसे ही आप इन दोनों को क्लियर कर लेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन के लिए आपका मतलब रेडी हो जाएंगे और शॉर्टलिस्ट करके आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं पीडीएफ जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आउट हुआ है। इसमें क्या है, इसमें सब कुछ डिटेल में है, और ज़्यादा डिटेल में है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर बता रखा है, कुशल खिलाड़ी के कोटे में 546 पदों के अपेक्ष में 350 पुरुष एवं 196 महिला कुशल खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। एंड इसमें पोस्ट की बात करें तो आप पोस्ट देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट इन्होंने रखी है, जिस लाइक वाटर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कॉस्मेंट्री, हॉकी, तीरतांजी, जिमनास्टिक, भारतमल एंड वुशू, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती, कराटे, फिशिंग, खो खो। और टोटल यहाँ पे आपको मैंने बताई दिया, मेल के लिए 350, फीमेल के लिए 196 वैकेंसी रखी गई है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट डेट देखी जाए तो आप इसमें 14 दिसंबर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 1 जनवरी तक। और इसकी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट जानना चाहते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो upppbb.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं अगर आपको इस पास नहीं हो रहा है तो। एंड इसका जो नोटिफिकेशन था वो 12 दिसंबर को ही रिलीज़ कर दिया गया था इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर भी कोई डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता लग सके। अगर आप इस क्राइटेरिया को नहीं कम्प्लीट कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट पर्सन शायद ज़रूर से इस क्राइटेरिया को कम्प्लीट करता हो। थैंक यू।